कुछ गलत फहमियां हमारे दिलों में आ गई हैं इस्लाम के बारे में, रूहानियत के बारे में। साहब ने बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी टर्म इस्तेमाल की कि हम पार्ट टाइम मुसलमान हैं, और ये हकीकत है कि हम में से कुछ लोगों ने इस्लाम को महदूद कर लिया सिर्फ इबादात तक, हम में से कुछ दोस्तों ने इस्लाम को महदूद कर दिया जाहरी शक्ल सूरत और जाहरी अमाल तक, या फिर कुछ लोगों ने इसे महदूद कर दिया सिर्फ हकूक अल-अबाद की अदायगी तक। इसमें से हम बंदगी को मिस कर गए बिल्कुल, हालांकि बंदगी बहुत ही आला मकाम है। इसकी आला मकाम का अंदाजा इस तरह हो सकता है कि मेराज का जिक्र करते हुए रब ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज बंदा इस्तेमाल किया कि ले गया वो अपने बंदे को। ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती जो अल्लाह के बाद सबसे अजीम है, ऐसी हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रब ताला ने लफ्ज बंदे का इस्तेमाल किया। जब इंसान बंदगी इख्तियार करता है तो वो फिर पार्ट टाइम मुसलमान नहीं रहता, क्योंकि बंदगी मुहित है इंसान की तमाम तर जिंदगी पर कि वो रब ताला की इताअत, उसके अहकामात की पाबंदी जिंदगी के एक एक लम्हे में करता है। जब वो अपने मां बाप से डील कर रहा है तो वो अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करता है, अपनी इमीडिएट फैमिली से वो डील करता है तो अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करता है, अपने पड़ोसियों से मिलता है, रिश्तेदारों से सलूक करते वक्त, और तो और नौकरी करते वक्त वो तमाम अहकामात की पाबंदी करता है, तो यूं इस्लाम उसकी जिंदगी पे मुहित हो जाता है, या वो यूं कहिए कि इस्लाम को अपने ऊपर इस तरह से नाफिज कर लेता है जैसे शटल कॉक बुरका पहना जाता है। एक चैनल पर मेरे प्रोग्राम के दौरान मुझसे एंकर ने पूछा कि रब कहता है कि रोजा इंसान को तकवा दे देता है या रोजे से तकवा मिलता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इफ्तार से थोड़ी देर पहले सड़कों पर अफरा तफरी का आलम होता है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही होती है। वो जो रब कहता है कि रमजान में शैतान को जंजीरें पहना दी जाती है, लेकिन सड़कों पर तो शैतान आजाद फिरता दिखाई देता है, क्योंकि वहीं झगड़े हो रहे हैं, वहीं ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, वही नाके सौदे बेचे जा रहे हैं, कम तोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, दगा दिया जा रहा है, कि हम बंदगी की तरफ नहीं आते, ज्यादा जोर देते हैं इबादात पर। इबादात जरूर की जानी चाहिए, हम पर फर्ज हैं। इस्लाम सिर्फ इबादात तक महदूद नहीं है, इस्लाम बहुत वसी है और जिंदगी के हर शोबे में उसके अहकामात हर शोबे के लिए मौजूद हैं, और उन अहकामात की पाबंदी अगर हम कर लें तो हम बंदगी के मकाम पर चले जाते हैं। जब इंसान रब की बंदगी शुरू कर देता है तो फिर रब उसे अपने सीने से लगाता है, उसको दोस्त बना लेता है।